हाथ से चार ड्राइंग एक साथ बनाकर के नुरुल नाम के इस कलाकार ने जो अद्भुत कारनामा आज करके दिखाया है, उसकी पूरी देश आज सराहना करता है। इस आर्टिस्ट ने ना सिर्फ अमेरिकन आर्टिस्ट के द्वारा दिए गए चैलेंज को जीता है, बल्कि उसके साथ ही साथ लाखों करोड़ों भारतीय लोगों के दिलों को भी जीता है। देखिए, एक हाथ से हम एक ड्राइंग भी अगर बना दे पेन से, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इस आर्टिस्ट ने तो चार ड्राइंग एक साथ बना करके दिखा दिया। और ड्राइंग बनाने के स्टाइल पे अगर आप गौर फरमाएं, तो ये ड्राइंग ये टॉप टू बॉटम बना रहा है। पहले ऊपर का पोर्शन होता है, धीरे धीरे फिर ये नीचे बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग स्टाइल। एक प्रिंटर जैसे टॉप टू बॉटम ड्राइंग बनती हुई आ रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पहले आउटलाइन बना लिया है, उसके बाद उसने शेडिंग करना स्टार्ट किया है। एक हाथ से प्रिंटर जैसे चार ड्राइंग बना पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम है। बहुत कम लोग कर सकते हैं। इस आर्टिस्ट के यूट्यूब चैनल का नाम है नुरुल आर्ट। यूट्यूब पे सर्च करो नुरुल, NURUL, नुरुल ART, आप सर्च करोगे इनका चैनल आपको दिख जाएगा। ये मल्टीपल ड्राइंग्स को एक साथ बनाने का जो ट्रेंड है, इसकी शुरुआत की गई थी एक विदेशी आर्टिस्ट के द्वारा। उसके बाद भारत के कई लोगों ने इन ड्राइंग्स को एक साथ बनाने का प्रयास हालांकि किया था, लेकिन इसमें से ज्यादातर लोग असफल रहे। मगर भारत का ये जो शूरवीर है, ये जो नुरुल नाम का शेर, बब्बर शेर, वेस्ट बंगाल में रहने वाला जो ये बच्चा है, इसने ना सिर्फ उनके चैलेंज को अटेम्प्ट किया, बल्कि अपने आप में एक नया चैलेंज अभी सबके लिए पैदा कर दिया है। उन लोगों ने हमें कहा था दो ड्राइंग एक साथ बनाओ, लेकिन अब हम उनको कहते हैं कि आप चार ड्राइंग एक साथ बना के दिखाओ। तो ये एक नया चैलेंज अब पैदा हो चुका है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो इस आर्टिस्ट के काम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। देखते ही शेयर मार दो, आपने देखते इसको शेयर मारना है। इसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिसका नाम है नुरुल आर्ट, NURUL, नुरुल ART। इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग इस तरह का ड्राइंग स्किल सीखना चाहते हो, आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई बालक या बुजुर्ग, कोई भी आप सीखना चाहते हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे संपर्क करें। इस कलाकार की मेहनत, इसका डेडिकेशन और इसके कला को मैं सलाम करता हूं पूरे भारत देश की तरफ से। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।